आप सबका स्वागत है। एज ऑलवेज, जैसा कि आप हमारे शो के तीन किरदारों को जानते हैं, हमारे साथ है निखिल नाज, जेमी ऑल्टर और मेरा नाम है परेश रावल। आज के लिए इस स्पेशल शो में गेस्ट अपीयरेंस कर रहा हूं। देखो जी दोस्तों, मैंने क्या कहा कि इट्स बेटर टू एड्रेस द एलिफेंट इन द रूम स्ट्रेट अवे रादर देन वेट फॉर यू गाइस टू मेक फनी क्विप्स एट मी। तो मैं पहले ही बता दूं, क्योंकि ये मोदी जी ने बता दिया है कि अब एक महीना और चलना है ये लॉकडाउन। मेरे हिसाब से तो मई के आगे भी जाने वाला है ये लॉकडाउन। तो मेरी काफी टाइम से ख्वाहिश थी कि मैं बाल अपने मुंडवा लूं, और काफी टाइम से 8-9 साल से टीवी पे हम लोग आ रहे हैं, और निखिल तो जानते हैं कि जब टीवी पे आते हैं तो जो टीवी वाले होते हैं निखिल, काफी आर्केक होते हैं अपने थिंकिंग में, कि मतलब कोई गंजा वंजा मुंडवा के आए तो कहते हैं सीधा जाके अपने अमरूद बेचो जी यहाँ पे। मतलब अगर आप जैसे हम एक समय काम करते थे एनडीटीवी में, अगर आप एनडीटीवी ऐसे आते तो आपको वहीं से भेज दिया जाता, इतना तो सर। एट द रिस्क ऑफ साउंडिंग लाइक अ प्रेस्टिट्यूट, द वन लिबरल प्लेस दैट आई हैव वर्क्ड इज एनडीटीवी मेरे हिसाब से, तो वो शायद मान जाते, बट जो भी है चलो। तो मैं हूँ आपसे वो सब कराते, टेप लॉक कराते, इंजेस्ट कराते, पर आप टीवी में नहीं आते। जेमी क्या नया चल रहा है आजकल, कौन से नए वीडियोस आ रहे हैं जल्दी जल्द देखने के लिए? वही कुछ 90s की यादें, कुछ और एक है स्पोर्ट्स एंड क्रिकेट एंड फुटबॉल कमेंटेटर ड्यूरिंग लॉकडाउन, आप लोग के लिए खास है वो हो जाएगा रिलीज अगले 2-3 दिन में। यही चल रहा है क्रिएटिविटी विद न्यूज क्लिक अलाउज हिम टू टॉक क्रिकेट एनीवेयर एल्स। क्या बट क्या कहते हैं सर, मैं न्यूज क्लिक को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। बहुत बेकार एक्टिंग है वो। मैं एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट, आज मैं इफ यू वांट जेमी, इफ यू वांट 90s के कोई विलन टाइप रोल के लिए किसी को चाहिए तो मैं आ सकता हूं, बिकॉज़ आई कैन पास ऑफ दैट। मजाक के अलावा लास्ट वीडियो में एक कमेंट भी था कि आप बॉब क्रिस्टो टाइप बंदा ढूंढो जो विलन का रोल करेगा। अब मुझे मिल गया है वो, जूनियर शाकल, अर्जुन पंडित के रोल में, जूनियर शाकल, अर्जुन एज जूनियर शाकल जरूर रोल। सो गाइस, इफ यू बीन वाचिंग 575 ऑनसेस जो हमारा पिछला हफ्ता था, दैट विल गिव यू अ सेंस ऑफ हमारा जो वीक विल बी लाइक एंड व्हाट आवर शेड्यूल इज गोइंग टू बी लाइक ड्यूरिंग द वीक। हम एक न्यूज एपिसोड करेंगे, जो भी न्यूज क्रिकेट की दुनिया से कोई कोट्स वोट्स आ रहे हैं, वी विल ट्राई एनालाइजिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन। और आजकल क्योंकि सब घर पे बैठे हैं तो सबके पास टाइम है बात करने के लिए। एंड ड्यूरिंग द वीकेंड, दैट इज एवरी संडे, वी विल ट्राई ब्रिंगिंग अ फीचर फॉर यू। हमारा जो सबसे पहला फीचर था दैट वॉज अराउंड रणजी ट्रॉफी क्रिकेट एंड फॉर ऑल द सक्सेस जो रणजी ट्रॉफी क्रिकेट ने फील्ड पे देखा है, वो सक्सेस व्हाई डज इट नॉट ट्रांसलेट इनटू स्टैंड्स एंड टीवी व्यूअरशिप। तो अगर आपने वो एपिसोड देखा नहीं है तो न्यूज क्लिक के यूट्यूब पेज या फेसबुक पेज पे जाइए और उस एपिसोड का मजा उठाइए। 60 मिनट का एपिसोड है, इट इज अ वेरी इन डेप्थ एपिसोड, टेल्स यू एवरीथिंग यू नीड टू नो एज फार एज दैट सब्जेक्ट इज कंसर्न्ड। आज जो हमारा न्यूज एपिसोड है दैट इज अराउंड महेंद्र सिंह धोनी, और जो हमारे दोस्त हैं स्टार स्पोर्ट्स, मेरे बड़े पुराने अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने भी कहा कि यार देखो कब तक हम ये वर्ल्ड कप के हाईलाइट्स चलाएंगे, हमें भी कुछ नया कॉन्टेंट तो डालना ही पड़ेगा। तो आखिरकार उन्होंने 575 ounces से क्यू लिया और उन्होंने कहा कि देखो जी सबको स्काइप पे लाओ, और उन्होंने अपना एक नया शो शुरू किया क्रिकेट कनेक्टेड, जिसमें द वन बिग टॉपिक वाज महेंद्र सिंह धोनी। अब जो आईपीएल शायद ना हो एंड मोस्ट लाइकली वर्ल्ड टी20 भी ना हो, तो इज दैट द एंड ऑफ महेंद्र सिंह धोनी एज फार एज द इंडिया कलर्स इज कंसर्न्ड। अब गाइस, सबसे पहला कोट आया है गौतम गंभीर का, जिनके बारे में हमने हमारे पिछले न्यूज एपिसोड में बात करी थी। उन्होंने उस शो पे ये बोला कि ऑन व्हाट बेसिस इफ वर्ल्ड टी20 हैपेंस, ऑन व्हाट बेसिस विल यू सिलेक्ट महेंद्र सिंह धोनी? तो इफ देयर इज नो आईपीएल, there is no world T20 for Mahendra Singh Dhoni. मोटा मोटा उन्होंने ये बोल दिया। निखिल, सहमत हैं आप उनके इस कमेंट से? क्योंकि first and foremost respect to Gambhir to coming out and say it as it is. नहीं बिल्कुल, और वो मुझे लगता है और बोल भी क्या सकते थे, मतलब it's a very obvious thing to say, क्योंकि अगर MS Dhoni नहीं खेल रहे हैं, आप उनकी कोई performance नहीं देखे, तो आप किस basis पे लाएंगे? ये तो बहुत obvious चीज है, this is a done thing. क्योंकि आपको पीछे जाना पड़ेगा, अक्टूबर में जाना पड़ेगा, जो पुराने आपके चेयरमैन ऑफ सेलेक्टर्स थे, हालांकि वो अभी ना भी हो, बट आपको थॉट प्रोसेस ऑफ द सिलेक्शन कमिटी या बीसीसीआई पता चल जाता है। उन्होंने तभी कह दिया था कि वी हैव मूव फॉरवर्ड, इन एज मेनी वर्ड्स उन्होंने कह दिया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि वी हैव मूव फॉरवर्ड फ्रॉम MS धोनी, और उन्होंने 2-3 यंग विकेट कीपर्स का नाम भी लिया था, जिनमें ऋषभ पंत और संजू सैमसन को उन्होंने नाम दिया था। अब उसमें एक और आगे तीसरे कंटेंडर जिनका नाम है KL राहुल, वो मेकशिफ्ट विकेट कीपर, हाँ मेकशिफ्ट, वो एक तीन आ गए। तो ये तो इंडियन क्रिकेट ने पहले सोचा था, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड। अब क्या वो वर्ल्ड टी20 में आ सकते थे, ये बीसीसीआई ने कभी नहीं बोला। ये सिर्फ आपके और हमारे जैसे जो वेले लोग हैं जिनके पास कुछ काम नहीं है, हम क्रिकेट पे या तो लिखते रहते हैं या बात करते हैं, तो हमने ये चीज क्रिएट करी कि MS धोनी आ सकते हैं, वापस कर सकते हैं। कभी भी बीसीसीआई हो या फिर रवि शास्त्री हो या
विराट कोहली हो, उन्होंने इस चीज के बारे में नहीं कहा। रवि शास्त्री ने ये जरूर कहा इज अ चैंपियन क्रिकेटर या वो तो वो मतलब बहुत ऑब्वियस सी चीज थी, बट कोई ऐसा हिंट नहीं दिया कि वी आर लुकिंग एट हिम फॉर अ T20 वर्ल्ड कप। सर पर साथ साथ बोला इफ ही हैज अ गुड IPL देन देयर इज नो रीजन व्हाई विल नॉट व्हाई वी विल नॉट लुक एट हिम चलिए कि संजू सैमसंग और ऋषभ पंत का भी बहुत अच्छा IPL होता, अच्छा इज अ वेरी सब्जेक्टिव वर्ड, बहुत अच्छा होता। KL राहुल का भी बहुत अच्छा होता, जिनको जब आप सोच रहे हो कि उनको वो तो क्या करोगे फिर आप, तो उनके अच्छे IPL को भूल जाओगे नहीं ना। सो इट डिपेंड्स ऑन लॉट ऑफ थिंग्स कि भाई क्या होता अच्छा नहीं होता। तो जो गौतम गंभीर ने लगता है मुझे अभी कहा वो ऑब्वियसली चीज है, IPL नहीं होगा तो टीम में कैसे आएंगे। पर मैं तो यहां तक जाऊंगा कि काफी हद तक मुमकिन था IPL होता भी, अच्छा होता भी, लेकिन अगर बाकी लोग भी अच्छा करते तो भी उनका आना बहुत मुश्किल है। जेमी निखिल यहाँ पे थोड़े रियलिस्ट बन रहे हैं, बट लेट्स टेक बैक अ लिटिल बिट फ्यू स्टेप, बिकॉज पहले हम बात कर रहे हैं महेंद्र सिंह धोनी की, नॉट एनी नॉर्मल प्लेयर। दूसरी बात हम बात कर रहे हैं ऐसे पोजीशन की विच हैज नॉट बीन फिल्ड सर, लेट्स एडमिट टू इट। चाहे जितना भी आप KL राहुल को प्रेज कर लो, तो आर यू टेलिंग मी इफ ही वुडंट हैव हैड अ गुड IPL द सिलेक्शन कमिटी वुड हैव सेड देखो जी ये एक पोजीशन है जहाँ पे हमारे पास एक प्रॉपर विकेट कीपर है नहीं और एक फिनिशर भी हमें मिल रहा है जो IPL में उसने अपना दिखाया है। यू सपोज दे वुडंट हैव सेड एटलीस्ट दे वुडंट हैव थॉट अबाउट इट कि महेंद्र सिंह धोनी भी हैज अ गुड IPL, वर्ल्ड T20 के लिए उनको बुला सकते हैं फिर। बिल्कुल, देखो एक तो मैं गौतम गंभीर की बात से सहमत हूँ कि हाँ IPL ना होने से बहुत ही मुश्किल है कि धोनी जो है T20 में सिलेक्ट हुआ, अगर दिस इज अ डिफरेंट टॉपिक फॉर डिफरेंट शो, अगर T20 वर्ल्ड कप हुआ भी इस साल, बट द पॉइंट ये भी है कि मेरा ये मानना है कि टेस्ट, देखो टेस्ट तो एमएस धोनी को 5-6 साल छोड़े हुए हो गए, वन डे मेरे ख्याल से उन्होंने अपना लास्ट खेल लिया जो कि वर्ल्ड कप सेमीफाइनल था लास्ट 2019 में। रही बात T20 की, अभी भी उनका जो रोल है वो फिल नहीं हुआ। KL राहुल इज अ फैंटास्टिक बैट्समैन, यंगर, मोर फ्लेक्सिबल, बट एज अ जो कीपर आपको चाहिए था, और एमएस धोनी से अच्छा कीपर बैट्समैन मेरे ख्याल से अभी भी इंडिया में नहीं है। वो अलग बात है कि वो 39 के हो गए, पर अभी भी वो रोल बिल्कुल फिट नहीं हुआ था। हाँ रही बात IPL की, तो लाइक निखिल सेड, गुड इज वेरी सब्जेक्टिव। गुड क्या है, 400 रन, 500 रन, 35 डिसमिसल्स, टेकिंग योर टीम इनटू द नॉकआउट, ऑल दीस फैक्टर्स हैव टू बी देयर। पर बिल्कुल, क्योंकि अब तक अगर एमएस धोनी की बात करें तो उस पर कोई कॉल आया नहीं, ना सिलेक्टर से, ना विराट कोहली से, ना शास्त्री से, ना द मैन हिमसेल्फ, एंड आई डोंट थिंक वी विल फ्रैंकली इवन गेट अ आंसर फ्रॉम धोनी। बट रही बात धोनी की एज अ प्लेयर, आई स्टिल थिंक अगर वो अवेलेबल होते तो शायद उनका नाम डिस्कशन में आता T20 वर्ल्ड कप को लेके, जस्ट बिकॉज ही इज MS धोनी। निखिल, सॉरी, जस्ट वन थिंग, गंभीर इन दैट सेम प्रोग्राम टू टेक इट लिल फॉरवर्ड, उन्होंने ये बोला कि मेरे लिए द राइट रिप्लेसमेंट इज नॉट संजू सैमसन, इज नॉट ऋषभ पंत, बट KL राहुल हु इज द फ्रंट रनर राइट नाउ बिकॉज ऑफ सिलेक्शन इन ऑल जो हमें दिख रहा है। और उन्होंने कहा व्हाइल हिज कीपिंग इज नॉट दैट ग्रेट, ही कम्स अक्रॉस एज द परफेक्ट यूटिलिटी प्लेयर जिसकी वैल्यू T20 क्रिकेट में ज्यादा है एज अपोज टू हैविंग दैट वन स्किल। मैं वही चीज आपको कह रहा हूँ ना, आप लोग दोनों बात कर रहे हो कि रिप्लेसमेंट नहीं है एमएस धोनी का T20 में। अब आई डोंट अग्री विद दैट, एमएस धोनी का रिप्लेस आप KL राहुल, मुझे सी वी आर मिक्सिंग फॉर्मेट, लुक एट KL राहुल, लुक एट ऋषभ पंत, सी अगर आप IPL देख रहे हो, दे हैव हैड टू बेटर लास्ट टू सीजन, बेटर देन एमएस धोनी सीजन, टू मोस्ट मैच डिफाइनिंग नॉक्स ऑफ द IPL, जो मतलब सचिन तेंदुलकर तक ने कहा वन ऑफ द ग्रेटेस्ट नॉक्स have been played by Rishabh Pant in the last two seasons, ठीक है? KL Rahul was the highest run getter last IPL. So, he already, the likes of Rishabh Pant and KL Rahul are outperforming MS Dhoni in the T20 format. यही पे मैं आपको, absolutely, but that's what I'm saying, कि T20 एक ऐसा format है जहां पर आप विकेट कीपिंग में 19-20 कर सकते हो, if the batsman जो आपको मिल रहा है इज बेटर। हाँ, ये अगर वनडे क्रिकेट होता तो मैं आपको अभी भी कहता नहीं यू नीड अ बेटर कीपर, तो MS धोनी, एंड स्पेशली MS धोनी का जो एक्सपीरियंस है, जब आपको थोड़े एक्सपीरियंस सिचुएशन में मैच बचाना होता है, गेम थोड़ी लंबी होती है जहां सिर्फ बैंग बैंग नहीं चलता, तो बिटवीन KL राहुल एंड ऋषभ पंत आई वुड एनी डे चूज MS धोनी एज अ विकेट कीपर बैट्समैन इन द वन डे गेम, ठीक है ना? लेकिन अब क्योंकि वन डे क्रिकेट कोई इतना इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है नहीं, तो उस पर ध्यान नहीं दे रहे, वो अलग बात होगी। टेस्ट क्रिकेट में भी इफ आई नीडेड अ बैट्समैन विकेट कीपर, आई मे स्टिल गो विद एन MS धोनी बेस्ड ऑन हिज एक्सपीरियंस एंड उनकी विकेट कीपिंग विच इज बेटर देन अ ऋषभ पंत और अ KL राहुल, अगर आप उस स्लॉट में देख रहे हो या फिर संजू सैमसन। बट T20 एक ऐसा फॉर्मेट है जहां बैटिंग थोड़ा सा
ऊपर चली जाती है विकेट कीपिंग से. उस लिहाज में आज के दिन सच्चाई है, आप आईपीएल देख ले, केएल राहुल, ऋषभ पंत आर बैटिंग बेटर इन द टी20 फॉर्मेट देन द एमएस धोनी वी न्यू. यस, एमएस धोनी 5 years अगो वाज अ डिफरेंट केटल ऑफ फिश, वो बिल्कुल अलग थे, वो एमएस धोनी इनसे बेटर हो सकते थे. आज के एमएस धोनी जो उम्र के साथ थोड़ा आपका रिफ्लेक्सेस कम होते हैं, ये बैट्समैन ये ग्रेटेस्ट ऑफ बैट्समैन के साथ हुआ है जिसमें आपको थोड़ा टाइम लगता है, तब आप क्या करते हो, अपना एक्सपीरियंस यूज करना शुरू करते हो, बैंग बैंग से एक्सपीरियंस जो एमएस धोनी करते हैं, पर शायद टी20 में उसकी इतनी जरूरत नहीं है. और अगर क्योंकि हम ये बात करें ना भाई, बड़े खिलाड़ी हैं वापस आते हैं वो तो चर्चा होगी, मैं आपको और एग्जाम्पल देता हूँ बड़े खिलाड़ियों का जो रिटायर नहीं हुए थे पर आईपीएल खेल रहे थे लेकिन इंडियन क्रिकेट मूव फॉरवर्ड. वीरेंद्र सहवाग थे, आईपीएल खेल रहे थे बट इंडियन क्रिकेट मूव फॉरवर्ड, उन्होंने बोला नहीं हम आगे देख चुके हैं भाई विकेट कीपर. हरभजन सिंह तो अभी भी रिटायर नहीं हुए हैं बट यू हैव मूव फॉरवर्ड एंड राइटली सो, मैं उसमें कोई डिनाई, यू हैव मूव फॉरवर्ड, आप उसकी चर्चा नहीं करते, ठीक है ना. युवराज सिंह मतलब वन ऑफ द ग्रेटेस्ट लिमिटेड ओवर बैट्समैन, यू हैड मूव फॉरवर्ड कि वो खत्म मिडिल ऑर्डर, हमें अब नए मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज देखते, रिटायर नहीं हुए थे. तो ऐसे सब खिलाड़ियों के साथ होता है, आप रिटायर नहीं होते. With regards to Sehwag and Yuvraj, there was a severe drop in form also. Severe drop in form. जो ऐसा drop in form हमें MS के form में देखने को इतना नहीं मिला है. Especially if you take last IPL into account. पर मैं actually ये कह रहा हूँ कि हम ये example दो example देता हूँ. Gautam Gambhir, Harbhajan Singh. Where have you seen a drop in form? You have moved forward ना? Gautam Gambhir ने तो IPL title भी जिताया है as a captain. But you had moved forward is what I'm saying. भाई क्योंकि you the other guy becomes better than you. ये नहीं कि वो कम होते हैं. I'm just saying it's पूरा ये विधि का विधान है भाई. जेमी वैसे हम ये assume क्यों कर रहे हैं कि ऋषभ पंत is not in the reckoning because KL Rahul जब ODI टीम में आए थे as a wicket keeper batsman, then it was being said कि वो balance लाते हैं इस टीम में. वो नंबर चार पे आते हैं, the balance is there. But in T20 format, Shikhar Dhawan is more or less out of the team right now. As things are right now, जब हम बात कर रहे हैं currently. Shikhar Dhawan is out of the team. So that means KL will be opening up top with a Rohit Sharma, which means there is a slot for someone like a Rishabh Pant to come in and make a name for himself or even a Sanju Samson for that. Bilkul, hum pehle bhi is show pe bahut baat kar chuke hain. Ye jo 17 aur 18 players hain, ye aaye gaye aur rotation to hota raha. Rotation kya? Bahut se baar to selectors ne galat horse ko back kiya. So there will always be people and I think someone like Rishabh Pant is definitely forget fringes. He is definitely in the plans for the T20 World Cup. Agar hua bhi ya nahi hua tha. Because he, unki jo batting hai, selectors ko pata hai, team ko pata hai, Kohli Shastri ki haan, ye thoda erratic hai. Par jis din Rishabh Pant chale gaya, like a Pollard or a Andre Russell, he is going to win you matches. Baat rahi hai because KL Rahul kept in all those 5 T20s New Zealand mein, jo ki India ka last series tha. ये तो साफ जाहिर है कि वो ही फर्स्ट चॉइस कीपर है एंड ही डिड नॉट डू अ बैड जॉब. मैं उनमें से था जो थोड़ा शक की नजर से उनको देख रहे थे बिफोर दैट सीरीज, बट व्हेन यू कंपेयर हिज कीपिंग टू ऋषभ पंत बोथ इन मुझे याद है ऑस्ट्रेलिया सीरीज लास्ट ईयर जब इंडिया आई थी उसमें ही मिस टू स्टंपिंग मुझे याद है एंड देन अगेंस्ट आल्सो साउथ अफ्रीका ही मिस द कैच बिहाइंड द स्टंप्स. तो अभी भी ऋषभ पंत के ऊपर कीपिंग को लेके बहुत से क्वेश्चन मार्क्स है. इसलिए मैं कह रहा हूं अगर आप कीपर बैट्समैन, मैं मानता हूं जो निखिल कह रहे हैं एज अ बैट्समैन धोनी वो नहीं, बट एज अ कीपर बैट्समैन दैट पैकेज यू गेट ऑफ समबडी अश्योर्ड बिहाइंड द स्टंप्स, इससे अच्छा धोनी अभी नहीं है. दैट सेड बहुत ही मुश्किल है उनको दोबारा देखना इंडिया ब्लू में T20 में. वन डे लिख के लो मेरे से he's played his last one day match. तो हम बात करते हैं सिर्फ T20 की. आकाश चोपड़ा ने अपने YouTube प्लेटफॉर्म पे भी बोला है कि वी सीन द लास्ट ऑफ धोनी इन इंडिया कलर्स, जो आखिरी मैच हमने देखा था जैसे जेमी बोल रहे हैं कि वो न्यूजीलैंड के खिलाफ था सेमीफाइनल वर्ल्ड कप ओडीआई वर्ल्ड कप जो इंग्लैंड में खेला गया. तो अगर ये बात साफ सी तय है और आप लोगों ने ऑफकोर्स करीबी तरीके से एज रिपोर्टर्स यू interacted with him, so you get a sense of the kind of personality he is and how he is to sending out messages and putting out statements. क्या लगता है जनाब अभी वो घर पे बैठ के हंस के देख रहे हैं कि ये जो जो शो बना रहे हैं मेरे बारे में, मेरे रिटायरमेंट के बारे में, he is taking a step back and saying, ha ha ha, got you as well. वो actually अगर उनका alternate career after retirement can be वो थ्रिलर स्क्रिप्ट राइटर हो सकते हैं, क्योंकि जो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना पूरी कहानी चल रही है ऐसा ऐसा चल रहा है, ये मर्डरर है एंड में पता चलता नहीं यही था मर्डर, तो वो वैसी चीजें करते हैं. वो जानबूझ के शायद उनको मजा भी आता है कि जो लोग एक्सपेक्ट करते जा रहे हैं मैं उसका बिल्कुल अलग करूंगा. ये एग्जाम्पल हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, टेस्ट क्रिकेट में उन्होंने ऐसा ही किया था, किसी को पता ही नहीं था, सबको लग रहा है सीरीज चल रही है, सीरीज के बीच में मैच खत्म होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर देते हैं, बताते नहीं, उसके बाद पता चलता है उन्होंने दिया, कोई फैनफेयर नहीं. अगर वो उस दिन भी बता देते, चलिए लास्ट मोमेंट भी होता, अगर
स्टार्ट ऑफ द डे भी उस टेस्ट मैच के बता देते, कम से कम उनको बैट से गार्ड ऑफ ऑनर मिल जाता, लोग खड़े होकर ताली बजा देते आखिरी बार जब वो आ रहे जा रहे, पर उनको वो चाहिए ही नहीं, उनको ये सब चीजों से कुछ लगाव नहीं है, वो लगातार इसके बारे में बात करते आए तो उनको चाहिए नहीं। क्या पता ये उनके जहन में भी था कि वो अपना लास्ट मैच खेल रहे हैं, इंडिया न्यूजीलैंड वाला जो मैच था या ये वर्ल्ड कप उनका टूर्नामेंट होगा, हमें इससे नहीं पता चल रहा, क्योंकि अक्सर 99% खिलाड़ी उसके बाद बोल देते, या उससे पहले ही बोला होता या नहीं भी बोला था उसके बाद बोल देते, तो प्रेस उनसे कुछ सवाल भी पूछ लेती, थोड़ी बहुत उनके बारे में करियर के बारे में भी लिखते, वो उनको करना ही नहीं है, शायद अपने जहन में वो ये बन बना चुके हैं। और फिर वही बात कि जब सेलेक्टर भी बोलता है, एसके प्रसाद भी बोलता है, तो क्या पता उनको भी इस बारे बारे में पता हो या इल्म हो इस बारे में कि एमएस धोनी मन में बना चुके हैं, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है कि एक एमएसके प्रसाद के लिए कहना कि नहीं वी आर लुकिंग अहेड ऑफ हिम। अगर एमएस धोनी ने कहा होता ना मैं खेल रहा हूँ, हो सकता है एमएसके प्रसाद तब भी कहते कि नहीं अभी नहीं देख रहे हम उनको, अगर वो अच्छा खेलते हैं तो हम वापस देख लेंगे। इतना क्लियर कट उन्होंने बोला, क्या पता ये हो कि उनको भी पता है कि एमएस धोनी खुद ही मन में आ चुके हैं। जिमी आई डोंट नो, आई कैन नॉट डिसएग्री विद निखिल ओबेरॉय, एंड वी गोइंग बैक टू दैट सेम पॉइंट कि वर्ल्ड टी20 में इवन इफ एमएस वुड हैव हैड अ गुड आईपीएल ही वुडंट हैव बीन इन योर वर्ल्ड टी20 टीम, बिकॉज इफ यू डिड नॉट हैव वर्ल्ड टी20 और व्हाटएवर, आई एम नॉट सेइंग इट्स हिज होल इंडिविजुअल उनकी थिंकिंग है कि मुझे वहां जाना है, मे बी द टीम इज ऑल्सो टोल्ड हिम ब्रो हैंग ऑन अ लिटिल बिट बिकॉज वी माइट नीड यू देन, तो शायद उन्होंने यही बोला है, क्योंकि अगर ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद मन बन गया है तो फिर जनाब बता दो एडमिनिस्ट्रेशन को बता दो, सो यू मूव ऑन, यू कैटेगोरिकली मूव ऑन ऑल अकाउंट्स, बट द रीजन दैट यू हैव नॉट मूव ऑन, सर एक साल होने के बाद है फ्रॉम दैट ओडीआई वर्ल्ड कप एंड नो स्टेटमेंट हैज स्टिल कम आउट, मींस दैट देयर इज ऑलवेज एट द बैक ऑफ योर माइंड सेइंग कि इफ वी नीड हिम वी कैन ऑलवेज कॉल हिम बैक फॉर द वर्ल्ड टी20। हाउ डू यू नो दैट ही इज नॉट मूव्ड ऑन, हाउ डू यू नो एमएस धोनी इज नॉट मूव्ड ऑन भाई, वो इसलिए मैं कह रहा हूं, दैट्स नो नो ठीक है, हां जिमी, या जिमी मैं इसलिए कह रहा हूं, दिस इज व्हाई आई रिगार्ड धोनी एज ए बहुत ही रेयर क्रिकेटर, सचिन तेंदुलकर आप जो भी लो सेवाग बड़े बड़े ये उन सबसे हटके, एक तो उनकी पॉपुलैरिटी इन माय माइंड ही कमांड्स अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पॉपुलैरिटी देन इवन सचिन तेंदुलकर युवराज सिंह, और ऊपर से इनके जो कुछ मैं छोटा उनके बारे में जानता हूँ जो उनके करीबी दोस्त हैं, ही उनके लिए ये सिर्फ एक जॉब है, आई मीन इट्स इट साउंड्स वेरी क्रूड, आते हैं जॉब करते हैं देन ही स्विचेस ऑफ, उन्होंने बहुत बार कहा कि मैं मैचेस नहीं देखता हूँ, आई डोंट फॉलो इट, हाँ हो सके वो न्यूज हेडलाइन देखे बोलेंगे अबे साहब तुम क्या लिख रहे हो, पर ओवरऑल फॉर हिम आई वुड नॉट बी सरप्राइज इफ ही इज टोल्ड देम बिकॉज़ देयर इज नो कंपल्शन उनके ऊपर यह कहना कि हाँ इस डेट पे जो है बेशक रांची में हो मेरे होम ग्राउंड पे आई मुझे फेयरवेल मैच चाहिए, ये उनमें से नहीं है, ही इज नॉट अ तेंदुलकर हु गॉट द फेयरवेल फॉर सिक्स मंथ्स इट वॉज प्लान, उनमें से नहीं है द द्राविड एंड लक्ष्मण्स हु परहैप्स वांटेड अ फेयरवेल मैच पर वर नॉट गिवन वन, आशीष नेहरा नहीं है जिनको एक फर्जी फेयरवेल दिया था कोटला, इनमें से वीरेंद्र एमएस धोनी नहीं है, उनको नहीं चाहिए मेरा मानना है, तो वन डे ही विल क्वाइटली स्लिप इनटू द डिस्टेंस इंस्टाग्राम पोस्ट पे शायद अपने कुत्तों के साथ खेलते हुए या बेटी के साथ या बाइक को हमर को वॉश करते वक्त वो बोलेंगे हाँ बाय द वे दोस्तों मैंने खेल लिया, सो आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर अस टू एक्सपेक्ट कि धोनी बोलेंगे हाँ ये मेरा आखिरी मैच है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आई एम जस्ट सेइंग कि आप जब भी बोले इट्स योर प्रेरोगेटिव इट्स योर राइट इट्स एब्सोल्युटली योर राइट, बट द फैक्ट कि आपने अभी तक नहीं बोला है for whatever reason आपने नहीं बोला, मैं वही कह रहा हूं एट द बैक ऑफ हूएवर्स माइंड एडमिनिस्ट्रेशन माइंड ये रहा है कि वी कैन यूज हिम, इनके और जो भी एडमिनिस्ट्रेशन द मैन हु मैटर द थिंक टैंक द कोलिश प्रॉब्ली दे ऑलरेडी हैव एन आंसर, इट इज नॉट देयर ड्यूटी टू कम एंड से कि भाई हमने ये किया, दे डोंट हैव टू गिव एन आंसर टू एनीवन ऑन दिस मैटर, आई थिंक अगर एक साल होने वाला है हाल ही में छह हफ्ते दो महीने के अंदर उस इंडिया के आखिरी वर्ल्ड कप मैच वो सेमीफाइनल में दैट वॉज धोनीज लास्ट मैच, आई थिंक वी कैन सेफली अस्यूम हम यहाँ बात कर सकते हैं कि आईपीएल होता नहीं होता, बट प्रॉब्ली दे हैव एन अंडरस्टैंडिंग व्हिच इज व्हाई एमएस धोनी सेड एमएसके प्रसाद सेड व्हाट ही डिड लास्ट अक्टूबर, और दूसरी बात ये ना कि अगर माने चले बात नहीं भी करी है, अगर मैं यही कह रहा हूँ अगर एमएस ने अपने मन में ये मान लिया और आप कह रहे हैं कि भाई आप एक होप दे रहे हो फॉर सिलेक्टर्स या टीम की वो आ सकते हैं, तो वो होप इज नॉट अ बैड थिंग, अगर मान ले कल को अगर विराट कोहली रवि शास्त्री या सिलेक्टर्स को लगता है एमएस धोनी को आए, एमएस धोनी इज नॉट दैट काइंड ऑफ अ गाय जो बोलेगा मैं नहीं आ सकता आपके लिए भाई, उनके मन में हो सकता है मैंने खेल लिया लास्ट मैच, बट अगर आप उनको कहते हो कि नहीं वी नीड यू वी थिंक यू आर नीडेड ही विल जस्ट टर्न अप, उनको क्या है कि मैं ना हो जाऊं, इसलिए उनको ही डजंट हैव टू से, मतलब आई विल गो टू एन एक्सटेंड टू से, ये बात तो अब जाहिर है कि उनका आखिरी मैच जो भी होगा प्रोफेशनल क्रिकेट में वो आईपीएल में ही होगा,
ठीक है, ये तो हम सब जानते हैं इस बारे में, इंटरनेशनल क्रिकेट चाहे खेले या ना खेले, आखिरी मैच तो आईपीएल ही होगा। वो भी मुझे नहीं लगता कोई फेयरवेल होगा, या वो इस चीज को बताएंगे कि मेरा लास्ट मैच है, नहीं है, कुछ नहीं पता चलेगा आपको, ना वो अनाउंस करेंगे। ये हो सकता है कि चेन्नई की मैनेजमेंट को पता चल जाए तो थोड़ा वो अनाउंस कर दे, बट एमएस धोनी खुद नहीं, मुझे लगता है। यू गाइस आर गेटिंग माय थिंग रॉन्ग, आई एम जस्ट ट्राइंग टू मेक अ सिंपल पॉइंट। मैं ये नहीं कहना चाह रहा कि एमएस इज holding everyone hostage and not telling everyone. My point is something we've debated at the start of the show only by saying ki jab humne bola tha ki for all that you might know the Indian team also has moved on. That's what I'm trying to say. I'm saying if the Indian team had moved on for whatever reason, and MS Dhoni is not the type of guy who likes coming out and saying these things, then why not announce it? The only reason you have not announced it, and I'm not saying it's MS is saying mujhe abhi nahi karna hoga, agar Indian team ne announce nahi kiya, board ne announce nahi kiya, then that is you've left some hope कि अगर आगे जाके हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, then at least we have not announced it, then we can use him for that World T20. The Indian not announce, the Indian, no one, they, it's not their prerogative, वो announce कर ही नहीं सकते। The only person who can announce retirement is the individual himself. सिर्फ MS धोनी decide कर सकते हैं कब। आप वही चीज है ना, जब सचिन के बारे में बात हो जाती है, जब इतनी चर्चा हो रही थी रिटायर नहीं कर रहे, तब लोग बीसीसीआई के पीछे पड़ जाते, खेल रहे थे ना सर, दैट टाइम खेल रहे थे, वही कर रहा हूँ, लोग बीसीसीआई के पीछे पड़ते थे, तो बीसीसीआई वाले भी क्या बोलते थे, संदीप पाटिल चेयरमैन और सेलेक्टर थे, बोल रहे थे हाँ यहाँ हम नहीं खिलाएंगे या जो भी है, वो उनका पर्सनल डिसीजन है भाई। रिटायरमेंट, नो बीसीसीआई, नॉट इवन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ द यूएस, एनीवन कैन टेक अ कॉल कि व्हेन शुड एमएस धोनी डिसाइड, इट इज हिज डिसीजन। अगर वो नहीं बोल रहे तो नहीं बोल रहे ना, रवि शास्त्री, विराट कोहली, बीसीसीआई प्रेसिडेंट सौरव गांगुली, कोई नहीं अनाउंस कर सकता, वो उनकी मर्जी है। जस्ट नोइंग एमएस धोनी, वो नहीं बोलेंगे, और आपको उनको खिलाना है आप खिला लो, नहीं खिलाना बल्ले बल्ले, वो अपने जैसे जिमी मुर्रे बहुत चीजें करते रहेंगे घर में, टाइम पास करने के लिए बहुत कुछ है उनके पास। ठीक है, लेट्स अग्री टू डिसएग्री। आई एम गोना टेक दिस कॉन्वर्सेशन लिटिल फॉरवर्ड, क्योंकि उसी क्रिकेट कनेक्टेड शो पे वीवीएस लक्ष्मण ने एक बात करी थी कि चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट की हमने जो बात कर ली है, ही सेइंग सीएसके के लिए आई सी एम प्लेइंग द आईपीएल फॉर अनदर कपल ऑफ सीजंस, उन्होंने कपल ऑफ सीजंस बोला है जेमी, ये वाला आईपीएल मोर और लेस रद्द हो गया है, एंड if he's nearing 38-39 now, next season likely to be 40 years old, to fir aapke hisab se kya lagta hai, give a number, aapko kya lagta hai kitne aur saal khelenge wo IPL ke liye? Is saal IPL gaya to aap maan lo ek aur season, abhi wo 39 ke hain ya hone wale hain, to he'll be what, he'll be 40 when the next IPL comes around. In the life of a sportsman, no matter how fit you are, even by MS Dhoni standards, wo to old hai, to shayad ek aur season khelenge, kyunki dekho CSK के श्रीनी मामा नहीं चाहेंगे कि धोनी जल्दी जाए, बट ऑल फैक्टर्स सेड, यू नो, CSK लाइक निखिल वाज़ सेइंग, CSK इज ऑल अबाउट MS धोनी, और CSK को कहीं ना कहीं इस साल, नेक्स्ट साल इनको आगे प्लान करना पड़ेगा, इनको टीम बिल्ड करना पड़ेगा MS धोनी के बगैर। तो जो भी है, शायद वो, आई मीन शायद क्या, आई एग्री विद निखिल कि उनका आखिरी मैच होगा वो CSK कलर्स में होगा, मोस्ट लाइकली वो चेन्नई में ही होगा जब भी आईपीएल होगा, बट हाँ मुश्किल से एक और साल विल सी MS धोनी प्ले द आईपीएल। एक और साल इज व्हाट जेमी सेइंग, निखिल आपको क्या लग रहा है? 40-41 दो साल और मेरे को लग रहा है। अगर आप ये चेन्नई के लोगों से बोले या फैंस या फिर उनकी मैनेजमेंट, तो वो कहेंगे जब तक उनकी कमर सीधी रह सकती है, जब तक वो हाथ में बैट उठा सकते हैं, वो खेलेंगे, ठीक है ना, चाहे वो रन बनाए या ना बनाए, बस वो खेलेंगे। उसके और भी कई एंगल आते हैं, एक तो यू नो जैसे हम बात करें, उनकी बैटिंग वैसी नहीं रही, बट कैप्टनसी तो उनकी शार्प रही है, वो तो शॉर्टर फॉर्मेट में वन ऑफ द फाइनेस्ट कैप्टन एनी वेयर इन द वर्ल्ड, ठीक है, तो वो एक बहुत जरूरी है उनका एस्पेक्ट है, जो वो चाहेंगे जितना भी एक्सटेंड हो सके रखें। दूसरा, ब्रांड एमएस धोनी, उनको कौन छोड़ेगा भाई, ब्रांडिंग इज सो इम्पोर्टेंट, एडवर्टाइजर सब आते हैं, जब बहुत बड़ा खिलाड़ी हो तो एमएस धोनी से बड़ा कौन हो सकता है। तीसरी बात यह है कि एमएस धोनी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल खुद प्ले करेंगे, बाकी टीमों में क्या होता है, टीम में हैव टू टेक अ हार्ड डिसीजन, जैसे बीसीसीआई और हम एमएस धोनी के रिलेशन की बात करें तो वो अलग था, एमएस धोनी डिसाइड करेंगे, बट आईपीएल में तो टीमें डिसाइड करती ना कब किसको छोड़ना है किसको रखना है, बट यहां पर MS Dhoni is also the team as the vice president of India Cements and someone jo mujhe pata chala hai kafi involved hai with the cement business also, wo AGM vagera attend karte hain, so he is quite actively involved in the India Cement business, to wo de facto owner bhi hai Chennai Super Kings ke, to ye decision unke paas hoga, isliye mujhe lagta hai ye decision उनका पर्सनल नहीं होगा, बहुत चीजें जहां इंटरनेशनल क्रिकेट का उनका पर्सनल डिसीजन होगा, ये डिसीजन बहुत इंक्लूसिव होगा, काफी चीजों को ध्यान में रख के लेना पड़ेगा, तो कई चीजें देखेंगे। आई थिंक एक चीज उनको देखनी पड़ेगी कि कब एबल कैप्टन मिल जाए, विकेट कीपर बल्लेबाज तो मिल जाएंगे उनको,
बट एक अच्छा कैप्टन जिस दिन वो आइडेंटिफाई कर लेंगे ना, हाँ ये शख्स है जिसके अंडर सीएसके 3-4 साल चल सकते। नंबर नहीं दे रहे आप, नंबर नहीं दे रहे, नंबर दो आप कितने साल। मुश्किल है, एमएस धोनी देखे फिटनेस के लिहाज में ना वो सबको डिफाई करते हैं और फिट हो गए। जो मैं उनको पीक पर देखता था ना इंडिया क्रिकेट के लिए, तब उनको मुझे पता है थोड़ा मतलब उनसे कई बार मुलाकात हो जाती थी हमारी, तो वो बटर चिकन खाने के शौकीन थे, बर्गर्स खाने के शौकीन थे, मिल्क शेक पीने के शौकीन थे। अब पिछले 2-3 साल से वो आपकी डाइट फॉलो कर रहे हैं अर्जुन, अच्छे से वो योगा करते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, बहुत ही हेल्दी खाना खाते हैं, तो पहले से ज्यादा फिट नजर आते हैं। इवन यंग एम एस धोनी से ज्यादा फिट आते हैं, तो पता नहीं अगर फिटनेस उनका साथ दे तो 2-3 साल भी क्या पता चल सके। आई डोंट नो, 42 तक का 42 भी ऑफिशियल एज, ये चीज भी आपको पता है इंडियन क्रिकेट में हर क्रिकेटर का 1-2 साल जोड़ देने चाहिए। ये तो मतलब जग जाहिर है बात, मैं कोई सीक्रेट नहीं बता रहा। मैं उस दिन पिछले एक फंक्शन में गया था जहां आशीष नेहरा और युवराज सिंह स्टेज पर थे, तो उनका ये कहना था, आशीष नेहरा ने वहां टांग भी खींची थी युवराज की, अरे उस साल तेरी मेरी एज सेम थी, अब मैं 40 का हो गया, आई एम स्टिल 38, हाउ इज दैट पॉसिबल, यू नो एक साथ हम जब थे तो 19, तो हम एक ही साथ 19 साल के थे। सो ये चीजें तो यू नो थोड़ा 1-2 साल तो ऊपर नीचे होता है, तो अगर हम ऑफिशियली 3 साल को 42 बोल रहे हैं तो इट कुड बी 44-45, व्हाई नॉट, क्या पता। अच्छा गाइस, जस्ट फाइनली, ये क्योंकि ये लेजेंड्स वाला एपिसोड हो रहा है, तो एक और लेजेंड जो है साउथ अफ्रीका के लेजेंड है एबी डिविलियर्स, हाल ही में सबको जानते हैं कि ओडीआई वर्ल्ड कप में क्या वो न्यूज आई थी, एंड आई डोंट नो इफ यू कैन पिन पॉइंट दैट न्यूज, बट इट प्लेड अ पार्ट इन साउथ अफ्रीका परफॉर्मिंग द वे दे परफॉर्म्ड, द एंटायर टीम वाज इन टैटर्स की केम ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, कि एबी डिविलियर्स ने ऑन द डे ऑफ सिलेक्शन बीइंग अनाउंस्ड ही सेड कि अच्छा आई एम कीपिंग माय सेल्फ अवेलेबल, उनको मना कर दिया गया, एंड द फैक्ट दैट गॉट लीक्ड ड्यूरिंग द टूर्नामेंट वाज इवन वर्स। पर अब उन्होंने एक और कमेंट डाला है कि इफ वर्ल्ड T20 इज नॉट हैपनिंग दिस ईयर एंड ऑल लाइकलीहुड, आई थिंक ऑल थ्री ऑफ अस एग्री कि जो हालात हैं ऐसा लग नहीं रहा कि देयर विल बी एनी मेजर स्पोर्टिंग इवेंट दिस ईयर, तो एबी सॉरी जेमी, would we be right in saying it's the last we've seen of AB de Villiers also in बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन बिल्कुल। देखिए जहां तक AB de Villiers की बात है, अपने वर्ल्ड कप किए, मैंने इनके 4 मैचेस कवर किए वहां पे इंग्लैंड में, और चारों प्री मैच जैसे आप जानते हैं और पोस्ट मैच ऑल ऑन एबी डिविलियर्स, प्री वाज ऑल, और वो 4 मैच वो हारे थे, वो 4 मैच उसके बाद वही डिविलियर्स के बाद आई थी, खुद ही साउथ अफ्रीकन जर्नलिस्ट ने पूछा, एंड फुल क्रेडिट टू फाफ डुप्लेसी, आई थिंक उनका और पर्सनली उनका और एरन फिंच के प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़े बेहतरीन थे, क्योंकि वो दोनों ने जब भी कहा उन्होंने दिल से कहा था, बट अगेन देयर वाज द शैडो ऑफ एबीडी ऑल ओवर दैट वर्ल्ड कप। अभी कुछ महीने पहले हमने सुना था कि हाँ दे वांट टू गेट हिम बैक फॉर द T20 वर्ल्ड कप, आई थिंक भाई लो उससे आगे बढ़ो, वो अभी लीग्स लीग खेल रहे, लीग और T20 में बहुत बहुत फर्क है, इवन विद द सुपर ह्यूमन पावर एबी डिविलियर्स, तो आई थिंक ये हमें भी मानना चाहिए कि एबी डिविलियर्स विल नॉट, सर अगर आप एमएस धोनी में बोलते हो ही इज स्टिल योर बेस्ट इंडियन विकेटकीपर बैट्समैन, तो दैट ऑप्शन विल ऑलवेज रिमेन ओपन। आप कह रहे हो कि साउथ अफ्रीका हैज अ बेटर नंबर 3, बेटर नंबर 4 देन एबी डिविलियर्स आपके हिसाब से? नहीं, अगेन आई मीन हैज इंडिया फाउंड अ नंबर 4 लाइक सचिन तेंदुलकर एंड टेस्ट, नहीं ना, बट आई एम सेइंग वो डिफरेंट थिंग, एबी डिविलियर्स ने जिस टाइम पे मैच अपना साउथ अफ्रीकन करियर छोड़ा उसमें भी बहुत सस्पिशन है कि उनके कारण क्या थे, लीग्स बहुत से लोग कह रहे हैं कि उन्होंने तब छोड़ा क्योंकि इनको लीग से ज्यादा पैसे, वही इंसान जिन्होंने कहा था कि मुझे घर से दूर रहना, यंग फैमिली से दूर रहना मुश्किल है, वो जाके 7-8 लीग में खेल रहे हैं, तो एबी डिविलियर्स जो भी कहते हैं कुछ उनके ऊपर क्वेश्चन मार्क्स हैं, तो आई मीन अगेन दैट्स अ शो, दैट्स अ टॉपिक फॉर डिफरेंट शो, बट आई थिंक एबी डिविलियर्स से साउथ अफ्रीकन क्रिकेट को आगे बढ़ना चाहिए इफ दे हैव नॉट ऑलरेडी मूव्ड ऑन, सीरियसली। निखिल, एटलीस्ट विद एबी डिविलियर्स हमें एक इंटीमेशन तो आ जाएगी, कोर्ट तो मिल जाएगा कि मैं जी मेरा आखिरी मैच है, ये तो है, ये आपको पता चल जाएगा क्योंकि वो खुद ही बोल देते हैं आके, तो ये डिफरेंस है बिटवीन एमएस एंड एबी। और एक और डिफरेंस है जो हम क्योंकि एमएस के बारे में बात कर रहे थे ना कि भाई फॉर द बेटरमेंट ऑफ द टीम, अगर आपको लगता है एमएस धोनी की जरूरत है आप उनको लाएं, वो खेल भी सकते हैं, ही डजंट हैव टू अनाउंस हिज रिटायरमेंट बाय दैट, बट एबी के साथ फर्क ये है ना कि ही मे बी for the betterment of the team as a player, but overall जो माहौल है ना वो ठीक नहीं रहता जब आप pick and choose करते हैं tournament जो एबी के साथ हुआ है, जो MS ने नहीं किया, MS ने कभी ये नहीं कहा कि मैं available नहीं हूँ इंडिया के लिए, मैं ये खेल रहा हूँ कोई लीग खेल रहा हूँ, he is always made himself available, तो अगर उनको आप लाना भी चाहो तो उसमें सेंस लगता है, because he is never made himself unavailable, आप उनको ला रहे हो, अगर आपको लगता है उनसे टीम बेहतर हो रही है तो हो रही है, एबी के साथ मैं मानूंगा उन अभी भी अगर वो आएंगे तो साउथ अफ्रीका की टीम बेटर होगी, लेकिन आप शॉर्ट टर्म चीज देख रहे हो या लॉन्ग टर्म, अगर आप लॉन्ग टर्म देख रहे हो ना, कल्चर क्रिएट करना चाहते हो और अपने क्रिकेट को हेल्दी रखना चाहते हो, तो आपको लॉन्ग टर्म डिसीजन
को ध्यान में रखते हुए उनको बोलना पड़ेगा थैंक यू वेरी मच, क्योंकि आगे चलकर कोई एक यंगस्टर आए जो एबी की तरह टैलेंटेड हो, फिर वो भी ऐसे शॉर्ट चेंज करेगा अपने बोर्ड को। तो आप अगर वो नहीं चाहते तो आप उनको बोले यस एबी द ग्रेटेस्ट बैट्समैन दैट वी एवर हैड, बट थैंक यू वेरी मच। इन अ वर्ल्ड टी20 ईयर आप शॉर्ट टर्म ही सोचोगे ना, यू वोंट थिंक लॉन्ग टर्म। वर्ल्ड टी20 ईयर में आप सोचोगे नवंबर वर्ल्ड टी20 क्या है, व्हाट इज द बेस्ट अवेलेबल टीम। नहीं, आई थिंक लॉन्ग टर्म देखना पड़ता है, यू नो इट्स नॉट जस्ट एक मैच या दो मैच के बारे में बात, आपको एक कल्चर क्रिएट करना पड़ता है। एक बार कल्चर खराब हो गया ना तो फिर वो कई सालों तक रहता है, और ये सिर्फ टीम के बारे में नहीं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में भी है। हम लोग अगर तीन लोग भी काम करते हैं और एक शख्स मतलब यू नो बहुत अच्छा है, अच्छी एनालिसिस करता है, लेकिन हर बार कुछ यू नो टाइम पे ना आए, शो पर ना आए, ये सब ना करे, तो फिर क्या करेंगे आप बोलेंगे ना थैंक यू किसी और को ले आए, तो वैसी वैसी बात। ठीक है गाइस, एनीथिंग एल्स जेमी यू वांट टू ऐड बिफोर वी रैप अप द शो? या नहीं, आई एग्री विद निखिल जो कह रहे हैं, क्योंकि हमने ऑलरेडी लास्ट वन डे वर्ल्ड कप था, हमने देखा था कि एबी डिविलियर्स का जो टॉपिक था कितने भारी पड़ा टीम में, टीम की बहुत बहुत बुरी प्रदर्शन रही, और मुझे लगता नहीं है कि जो भी है उनके थिंक टैंक वो ये रिस्क लेंगे कि दोबारा प्लेयर जो है इनसिक्योर हो जाए, नर्वस हो जाए, गुस्सा हो जाए, जो भी इमोशन है लेके उसको, तो आई थिंक डिविलियर्स से इनको आगे बढ़ना चाहिए। और एक एग्जाम्पल दूंगा गेल का भी, उन्होंने भी कुछ ऐसी हरकतें की थी, वेस्ट इंडीज बोर्ड ने डिसाइड किया कि भाई आपको ऐसा करना है तो थैंक यू वेरी मच। गेल से बेटर तो बैट्समैन नहीं था उनके पास, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, यू कैनॉट यू नो टेक अस फॉर ग्रांटेड, और मुझे लगता है ये डिसीजन सही है। इवेंचुअली कंट्री का क्रिकेट या बोर्ड कम्स फर्स्ट, उसका आपको देखना पड़ेगा कि क्या है, आप उसके लिए अवेलेबल हैं या नहीं, उसके बाद आपको पिक नहीं कर रहे या पिक कर रहे वो अलग बात है, लेकिन आप ये नहीं कर सकते किसी को। निखिल आज जेमी ऑल्टर और मैं परेश रावल, उम्मीद करते हैं आप लोगों को हमारा ये शो देखने में पसंद आया हो। रिमेंबर संडे वी विल ब्रिंगिंग टू यू आर न्यू फीचर, क्या वो नया फीचर है वो उसके बारे में हम थोड़ा अभी तो आपको बता नहीं पाएंगे, बट डू कैच अस ऑन संडे एज वेल। और अगर आपने हमारा रणजी ट्रॉफी वाला एपिसोड नहीं देखा है देन डू गो ऑन यूट्यूब और फेसबुक और न्यूज क्लिक के पेज पे जाइए और उस रणजी ट्रॉफी के एपिसोड को देखिए। निखिल जेमी एज ऑलवेज थैंक यू फॉर योर टाइम एंड एंजॉय द लॉकडाउन, फिर मिलेंगे, थैंक यू, बाय। Thank you.